नमस्कार, मैं हुमनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी हम पटेल नगर में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है कि जो घर के बाहर एनक्रोचमेंट या हम कहें कि जो रैंप बने हुए थे उसको यहां पर तोड़ा जा रहा है। फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और नीचे कॉमेंट जरूर करें। इन लोगों का क्या कहना है हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कुछ तोड़ा जा रहा है उनके ऊपर इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे ये। सर, ये रैंप तोड़े गए, कुछ कहोगे? इसमें क्या कहना है, सब ठीक ही है जो चल रहा है। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है घरों के बाहर या ये जो स्कूल भी बना हुआ था उसके बाहर जो भी थे वो सारे रैम जो है वो तोड़ दिए गए हैं। क्या इसका जी जी तो अभी तोड़ रहे हैं ना ये सारी गली के। यहाँ पर आप देखें कि लोग कुछ कहने को तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है उनको भी या फिर हम कहें कि समझ आता है कि गलती कहीं ना कहीं उनकी भी है जो इतने ज्यादा जो है वो रैंप बना रखे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि गलियों में अगर देखें तो कहीं पर भी जगह दिखाई नहीं देती। ये लाइव तस्वीरें वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जो है इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दे और शेयर कर दे। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से स्थिति है, यहाँ पर पूरे जो रैंप है इस गली के वो तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर वायरल सच आपको दिखा रहा है पीला पंजा किस तरीके से जो है लोगों के घरों तक यहाँ पर पहुंच चुका है और किस तरीके से जो है रैंप वगैरह जो है वो यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या चल रही है। यहाँ पर लोगों से बात करने का प्रयास करा तो उनका कुछ खास जो है वो रिवर्ड आता दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर जो हालात है वो बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर आप देखें कि निगम की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है जो कि पटेल नगर में है, और पटेल नगर में जो गलियों में जो रैंप बने हुए थे, जो एक्स्ट्रा रैंप बने हुए हैं, उनको तोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और जो जेई वगैरह है वो भी यहाँ पर साथ मौजूद है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है लगातार गली के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो है ये पूरे रैंप जो है वो तोड़ते हुए आ रहे हैं। लोग सारे अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। आपसे अनुरोध है कि एक बड़ी कार्रवाई जो आज गुरुग्राम में हो रही है उसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अनुरोध है कि इसको शेयर जरूर करें। आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर वो जरूर बताएं हमें। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है कि जहाँ पर जो है यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरीके से भी है बाय एंड लॉस जो है वो खराब ना हो। और सभी में जो है आप देखें कि घरों के बाहर भी सभी लोग खड़े हैं जो कि अपने अपने घर का जो है मियाद बता रहे हैं कि यहाँ से इस चीज को मत तोड़िए। ये जो स्थिति है ये बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं किस तरीके से जो है। इस कार्रवाई को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एनक्रोचमेंट गलियों में हटाई जा रही है, क्या ऐसे ही एनक्रोचमेंट जो है सदर बाजार से हटाने का क्यों नहीं सोचते? यही एनक्रोचमेंट जो बड़े बड़े गुरुद्वारा रोड के ऊपर जो बड़े बड़े हम कहें कि कपड़े की शॉप हो या ज्वेलर्स हो उनके द्वारा जो बनाया गया है उनको तोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? गलियों में आए हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो यही कार्रवाई जो है आगे भी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये कार्रवाई जो है वो यहीं तक सीमित क्यों रहनी चाहिए? यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर इन लोगों का ये भी कहना है कि शायद किसी ने कंप्लेंट की होगी जिसके कारण जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जो लाइव तस्वीरें हैं वो वायरल सच के कैमरे के ऊपर देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि फटाफट से इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये पटेल नगर की है जहां पर जो है पूरी गली में जो है यहां पर रैंप तोड़े जा रहे हैं। जो भी अवैध तरीके से बाहर बने हुए थे, एनक्रोचमेंट कह सकते हैं हम उनको, तो वो सारे जो रैंप है वो तोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। और सभी घरों से लोग यहाँ बाहर उपस्थित है जो कि इस चीज का ध्यान भी रख रहे हैं, क्योंकि बाहर शिविर की लाइन वगैरह है या फिर पानी का जो भी कनेक्शन है उसका ध्यान रखा जा रहा है।
वायरल सच के माध्यम से यही आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी आती है कि अगर एनक्रोचमेंट एक गली से हटाई जा रही है तो ऐसी अनेकों एनक्रोचमेंट जो है गुरुग्राम में बहुत सारी जगह पर है, तो उनके ऊपर जो है वो ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। एक एनक्रोचमेंट हटाना कहीं गलत नहीं है, पर उसी चीज को जो है सब जगह ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर देखिए कि काफिला आगे जाता हुआ, और यहाँ पर साथ साथ जो है पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। अंकल कुछ कहना चाहेंगे, ये जो तोड़ा जा रहा है यहाँ पर सही है गलत है क्या है? मैम ऐसा है, ये सही है जी। पटेल नगर में सारे में गली भीड़ी है जी। और उसके अलावा सारे पटेल नगर में एनक्रोचमेंट है जी। अगर इमरजेंसी किसी आदमी को कहीं आना जाना पड़े तो रात को भारी दिक्कत होती है जी जी। इसलिए ये हो रहा है जो सही हो रहा है। तो ये किसी की कंप्लेंट थी या किस तरीके से कुछ बताया गया? अभी नगर निगम की कंप्लेंट है जी जी। वो सीवर के सर्वे करने आए थे रात को 5-7 दिन पहले जी। तो उनकी गाड़ी फंस गई यहाँ, तो उन्होंने भेजा है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये भीड़ी गलियां हैं, अगर इसमें कंजस्टेड गलियां होने के कारण जो है यहाँ से लोगों का निकलना, या हम कहें कि बड़ी गाड़ियों का निकलना जो है मुश्किल है, या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है तो यहाँ से नहीं निकल सकते, बट यहाँ पर जो है जो ये कदम उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं सही है। आपका क्या कहना है इस कदम के ऊपर, आप जरूर बताएं हमें, क्योंकि वायरल सच आपको लाइव तस्वीरें पटेल नगर से दिखा रहा है। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जिनके जो है घरों के बाहर तोड़े जा रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए कि सभी जो है अगर यही कार्रवाई लगातार गुरुग्राम में होती है कि सिर्फ एक गली को छोड़कर नहीं, हम कहें कि एक गली एक स्पेसिफिक ना होकर सब गलियों की तरफ ध्यान दिया जाए कि जहाँ पर एनक्रोचमेंट है वहां पर पूरी ऐसी स्थिति की जाए कि ताकि लोगों को जो है वो परेशानी ना हो, बट यहाँ पर जो है व्यक्ति विशेष या फिर व्यक्ति का एक किसी विशेष का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एनक्रोचमेंट की बात करें तो वो पूरे गुरुग्राम से हटना चाहिए। यहाँ पर जो थे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है वो RWA के प्रधान है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है निगम की गाड़ियां आई है, निगम की गाड़ियां आई, उन्होंने ही देखा कि ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है, गलियां काफी कंजेस्टेड है, इसी वजह से जो है इसको तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग घरों के बाहर अगर रैंप बनाते हैं तो उसका भी एक कारण रहता है कि जो जल भराव होता है वो जल की स्थिति जो है उनके घरों तक ना पहुंचे, इसलिए ये है जो ये काम किए जाते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बिजली के खंभे भी लगे होते हैं कहीं ना कहीं उसको भी जो है एक साइड पर लगाना चाहिए, अगर DHPVN की बात भी करें तो उनको भी प्लानिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस तरीके से लगाना चाहिए ताकि कोई भी जगह का घेराव यहाँ पर ना हो। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार दोबारा से बता दें कि पटेल नगर में आज कार्रवाई हो रही है, जो रैंप है वो तोड़े जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा रैंप बने हुए हैं, जो एनक्रोचमेंट अगर हम कहें वो तोड़ी जा रही है यहाँ पर, स्थिति है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं लाइव वायरल सच के कैमरे के ऊपर। आज एक निगम की बड़ी कार्रवाई, पीला पंजा एक बार फिर से जो है गुरुग्राम की गलियों में चल रहा है, बट इस बार जो है अगर हम कहें तो एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए चल रहा है। और अभी तक जिन लोगों से भी बात हुई है किसी की भी प्रतिक्रिया अगेंस्ट नहीं आई है, सभी पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इन गलियों के कारण ही जो है शायद घरों के बाहर गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती, वो एक्स्ट्रा गाड़ियों की जगह घेरते हैं, ये सारा कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पर ये स्थिति चल रही है जो कि लाइव आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जगह जगह पर जो है लोग मौजूद है, उनको हटाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये पुलिस
जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जो है उनको साइड में किया जा रहा है, ताकि भी किसी भी जो घटना है उसको होने से रोका जाए। ये जो स्थिति है वो बिल्कुल आपके सामने है, लाइव तस्वीरें जो है वो वायरल सच के कैमरे पर देख रहे हैं। आज अगर हम बात करें हमारे व्यूवर्स की या बात करें जनता की, काफी जागरूक है। आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज ये जो कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पटेल नगर में की जा रही है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कपिल जी, कहाँ पर आपको बता दें, ये पटेल नगर में हो रहा है। ये जो पूरी कार्रवाई आप देख रहे हैं ये पटेल नगर में हो रही है, और ये जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि सब जगह पर जो है वो रैम पूरे बने हुए हैं, और रैम की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर आसपास शायद ही जो है वो गाड़ियां खड़ी हो पाए। आपका क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सही है? पुलिस पूरी मुस्तैदी से साथ में खड़े होकर जो है इस काम को अंजाम दिलवाने का काम कर रही है यहाँ पर। फारूक नगर में भी कह रहे हैं कुछ लोग जो है, विकास जी का कहना है कि फारूक नगर में भी ऐसा चाहिए, ऐसा हो या ना हो आप हमें स्थिति जरूर बताएं कि इस तरीके से जो है जनता को कहीं ना कहीं इसमें शायद निगम का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि यहाँ पर कितने जो है कितने फुट का अगर हम बात करें कि जो रैम हम बना सकते हैं, जो घर के बाहर हम बात करते हैं जो रैम है वो हम कितना बना सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। ये भी जो है आइडिया चाहे जनता को जरूर होना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई कितना आपको अलाउड होता है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होता है। बट यहाँ पर आप देखें कि पूरे जो है वो रैम तोड़े जा रहे हैं। इस चीज को आप किस तरीके से लेते हैं ये हम आपसे बोलेंगे कि आप जरूर बताएं। यहाँ पर देखे महिलाएं यहाँ पर बता रही है ऊपर से कि जहाँ पर पानी की होदी है उसका पूरा बताया जा रहा है कि यहाँ से ना तोड़े कि यहाँ पर पानी की होदी है। अब एक बड़ी बात आपके सामने वायरल सच लेकर आना चाहता है कि यही रैंप है जो एक टाइम में अगर हम बात करें कि यहाँ पर जल भराव होता है तो यही रैंप है जो लोगों को गुजरने में सहायता प्रदान करते हैं। बट यहाँ पर आप देखें कि इनको जो है घरों में पानी इनकी वजह से जो है शायद कहीं ना कहीं ठहराव में आ जाता है, बट यहाँ पर जो है पूरी स्थिति तोड़ दी गई है, ये पूरे जो रैंप वगैरह है वो तोड़ दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये काम सरकार कर रही है, ये काम प्रशासन कर रहा है, तो क्या इसी के साथ ही प्रशासन को जल भराव के ऊपर काम नहीं करना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो कि उनको कुछ भी ऐसा सोचना पड़े, देखना पड़े कि भाई यहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति के लिए उनको एक्स्ट्रा रैंप बनाने पड़े। कि ऐसी ही स्थिति गुरुग्राम के हर इलाके में क्यों नहीं कर दी जाती कि जहाँ पर जो है वो जल भराव हो ही ना। ये जल भराव की स्थिति ही जो है कहीं ना कहीं लोगों को हम कहें एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण करने को भी मजबूर करती होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि अगर सरकार निगम ये सारी चीजें कर रही है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है वायरल सच का, पर बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आप सुविधाएं क्या प्रदान कर रहे हैं, नगर निगम जो है वो सुविधाएं भी क्यों नहीं दे रहा जनता को, जो उनका एक मौलिक अधिकार है, जो उनका अधिकार है और जो चीजें होनी चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये भी हम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। ये लगातार जो है पटेल नगर में जो है ये कार्रवाई चल रही है, लोग हैं जो यहाँ पर आकर बता रहे हैं कहाँ पर पानी की होती है, कहाँ पर सीवर का ओवरफ्लो के लिए बना हुआ है, सीवर के फ्लो के लिए जो है पाइपलाइन जारी है, वो सारे लोग आकर बता रहे हैं यहाँ पर। Thank you.
देखेगी महिला के द्वारा थोड़ा सा विरोध किया गया यहाँ पर कि यहाँ पर गोदी है, यहाँ पर पानी क्या है, तो आप इसको ना तोड़े। कुछ लोग जो हैं वायरल सच के माध्यम से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पर देखिए लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जो थोड़ा सा पानी का अगर यहाँ पर गोदी बनी हुई है उसके लिए अगर इसको तोड़ने की इजाजत दी जा रही है तो ये जो खंभे जो बिल्कुल साथ में लगे हुए हैं इसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। ये आपके सामने जो है ये बातचीत चल रही है, महिला जो है यहाँ पर आवाज उठाने के लिए आए हैं और बोल रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं शायद सीवरेज की पाइप जो है जो यहाँ से जा रही है वो तोड़ दी गई है, या जो अभी अनुमान है वो पूरा नहीं है कि ये किस चीज की पाइप थी, क्या था, पर जो घर के अंदर तक जा रही थी शायद ये सीवर लाइन का। यहाँ पर देखिए एक महिला जो विरोध कर रहे हैं उनसे जानने का भी प्रयास करते हैं क्या हो गया मैम आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए ये। अरे इसके ऊपर ये बिजली का खंभा भी खड़ा है, हमें दिक्कत नहीं होती इससे। तो अभी ये क्या सीवर की लाइन जा रही है, पानी की है? सीवर की लाइन जा रही है पूरी। शॉर्ट नोटिस पे, इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे होता है यार, एक ही दिन में आके सारे तोड़ दिया सब कुछ, ऐसे थोड़ा होता है। यहाँ पर आप देखिए कि लोगों का कहना है कि काफी शॉर्ट नोटिस पर जो है यहाँ पर आकर ये सारी तोड़फोड़ की जा रही है। जो सीवर वगैरह है वो काफी सालों से जो थे यहाँ पर, जो बाहर वाली साइड में अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए कि पाइप भी कुछ टूटी है। ये सारी चीजें जो है आपके सामने है, क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कि जो महिलाएं हैं वो साथ में खड़ी हो रही है क्योंकि उनको शायद ज्यादा अनुमान है कि कहाँ पर जो है सीवर का है, पानी का है। ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वायरल सच के कैमरे पर, पटेल नगर में जो है आज कार्रवाई की जा रही है निगम के द्वारा, और ये कार्रवाई हो रही है रैंप तोड़ने के लिए, जो अवैध रैंप बने हुए हैं घरों के बाहर उसको तोड़ने के लिए जो है आज कार्रवाई की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए आप यहाँ पर के आसपास भीड़ कितनी इकट्ठी हो चुकी है, जो लोग कितने इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की प्रयास कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है यहाँ पर। आपका क्या कहना है कि ये सारी चीजें जो हो रही है अभी यहाँ पर, क्या ये निगम की सही कार्रवाई है या गलत कार्रवाई है, आप हमें जरूर बताएं कि आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर। Bye bye.
कार्रवाई अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये कार्रवाई फिर सब जगह क्यों नहीं होती, किसी एक जगह पर ही ये कार्रवाई क्यों की जा रही है और जगह पर कार्रवाई क्यों नहीं जाती। और साथ में अगर सुविधाओं की बात करें तो ये सुविधाएं जो है लोगों को क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती आम जनता को, कि जो जल भराव की स्थिति यहाँ पर होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से खत्म हो जाए, ताकि लोगों के घर तक पानी ना पहुंचे और उनको शायद रैप बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि गलियों में अगर देखें तो बहराव बहुत ज्यादा हो जाता है, गाड़ियां लगाने की कहीं जगह नहीं होती। और जो यहाँ के मौजूद लोग थे उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया, जो शायद यहाँ के RW के प्रधान थे, उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये बहुत सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर निकलने के लिए जगह नहीं थी। और जब कल निगम सर्वे करने के लिए आया तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर दिक्कत है, तो उसी के चलते जो है आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये कार्रवाई कहाँ तक सही है ये आप हमें जरूर बताएं, आप बताएं कि क्या यहाँ पर स्थिति है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से उनको बता दें कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये पटेल नगर में चल रही है, जो अवैध तरीके से रैंप बने हुए हैं उनको तोड़ने की जो है आज एक कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर गलियां जो है वो भीड़ी है, इसी वजह से जो है आज यहाँ पर ये ड्राइव की जा रही है। शायद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ बात करें जेई है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर और क्या जो है आज की स्थिति चल रही है। I'm going to go to the hospital.